एनर्जी आपको इसीलिए इतनी लो लग रही है क्योंकि शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान हुआ उसके बाद हमने उम्मीद की थी कि टीम इंडिया को इतना जो टाइम मिला है 1 हफ्ते का, 7 दिनों का, उसमें वो बाउंस बैक करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज पे वर्कआउट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही कुछ स्ट्रैटेजी बना ली गई और कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कर दी गई और उसका रिजल्ट क्या आया? स्ट्रैटेजी थी ही नहीं। आप किसको स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी थी या बहुत ज्यादा हो गई? नहीं, आप किसको स्ट्रेटजी कह रहे हैं? नहीं मतलब ईशान और एग्जैक्टली स्ट्रेटजी नहीं, मतलब आपने जो भी सोचा, जो भी आपके आइडियाज थे, कुछ भी काम नहीं किया ना। और जो हमने मिड इनिंग्स में बात भी की थी कि आपने एक ईशान किशन को एडजस्ट किया, ठीक है आपने उनको ओपन करवाया, लेकिन आपने रोहित शर्मा को हटा दिया। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, और उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि अगर आपको रोहित शर्मा को हटाना था, रोहित शर्मा को नीचे लाना था, ईशान किशन को राहुल को ऊपर ले जाना था, तो आपको पहले कर लेना चाहिए था ये सब, आप यहाँ नहीं करना चाहिए था। देखिए मैं फिर वही बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप के उस मैच में आके क्या आपको ये फील हो रहा था बिफोर द टूर्नामेंट, जब हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया की विनिंग प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, हमने पहले भी एजेंडा किया हुआ, हमने पहले बहुत सारे बार डिस्कशन किया हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ, आज न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ, आपको कहीं से भी लगा कि आपकी ये प्लेइंग 11 है, विनिंग 11 जो आपकी मैच जिता सकती है? ठीक है, हम ये भी कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या जो है वो उस हिसाब से फिट नहीं है, वो सिर्फ एज अ बैटर यूज़ किए जा रहे हैं, आज उन्होंने बॉल भी करी है, लेकिन आज ही क्यों करी है? मेरा एक सवाल ये भी है कि आज क्यों करी, जब आपको पता था कि आप ऑलमोस्ट मैच हार चुके हैं, इन सवालों से बचने आपने, के लिए शायद मेबी आपने पाकिस्तान के खिलाफ बॉल क्यों नहीं डाला था? और दूसरी बात ये कि क्या जो टीम मैनेजमेंट है वो पहले से ही ये मान के चल रही थी कि मेरा जो क्रूशियल मैच है वो पाकिस्तान है, अगर वहां से हम निकल गए तो हम आगे देख लेंगे, लेकिन आगे जो क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। आज के बाद मतलब आज के मैच के बाद तो हमारे पास चांसेस, मैच के हार के बाद की अफरा तफरी थी। पहले आपने सबसे पहली चीज तो आप अपने ओपनर्स को लेके कभी क्लियर ही नहीं थे। मैं वही कह रहा हूँ, आखिरी मैच जो विराट खेले से पहले, हाँ विराट कोहली ने क्या बोला था कि केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपन करने वाले हैं, और पीछे ले जाऊंगा राशिका, और पीछे ले जाऊंगा, जब वो आखिरी खुद ओपन करेंगे वर्ल्ड कप से पहले जो आखिरी T20 मैच हुआ था उसमें विराट ने ये बोला था कि मैं और राहुल, मतलब उन्होंने खुद को कहा था कि वो और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। फिर जब आपका सिलेक्शन होता है, आप टीम में जाते हो, तब वर्ल्ड कप के पहले वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो कहते हैं कि केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। एक मैच आप हारते हो पाकिस्तान के खिलाफ, आपने ओपनर चेंज, फिर से आपने ईशान किशन और केएल राहुल को ओपन करा दिया, और एक मैच की हार के बाद से इतनी मतलब अफरा तफरी क्यों मच गई टीम क्या जय भाई, क्या आप ये इस लेवल की टीम है कि एक मैच हार के बाद आपने दो तीन ऊपर से बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया नीचे आपको? लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे खिलाड़ी हैं वही जिम्मेदार है? क्या आपको नहीं लगता कि जो इस टीम के सेलेक्टर्स थे उन पे सवाल नहीं उठना चाहिए? देखिए बिल्कुल उठना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे 11 खिलाड़ी जो वर्ल्ड क्रिकेट का हिस्सा है, जो भारत कर सकते हैं, ठीक है उन्होंने जैसी भी टीम चुनी, अच्छी बुरी जैसी भी टीम चुनी, लेकिन रोहित शर्मा क्या परफॉर्म करेंगे, केएल राहुल, विराट कोहली, बिल्कुल मैदान पे परफॉर्म करना तो खिलाड़ी का काम है ना। जहां तक रही बात रोहित शर्मा की, केएल राहुल की, विराट कोहली की, मुझे मेरा सवाल सिर्फ ये है आपसे कि बड़े मैचों में हमारे जो ये बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम है, उनको क्या हो जाता है? देखिए ये तो मतलब ये मिस्ट्री है, अगर आप देखें बड़े मैचों वाली बात है ना, फैक्ट यही है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ही ज्यादा सोचते हो, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, वो कहते हैं ना पहले गरजना है नहीं, बरसने से पहले ही गरजते रहते हो गरजते रहते हो। रही बात प्लेइंग 11 की, हर कोई सेम बात अगर आप लोगों को याद हो तो सलाम क्रिकेट ने पुजारा ने भी बोली थी कि हम इसीलिए फेल होते हैं। दूसरी चीज जो बात प्लेइंग 11 की आती है ना, मैं कभी भी जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है मैं कभी भी एक खिलाड़ी को दोष नहीं दूंगा। मैं आज ये नहीं कहूंगा कि यार हार्दिक पांड्या की वजह से प्लेइंग 11 में हार्दिक को खेला, आपके पास जो खिलाड़ी है उन्हीं में से तो चुनने, आप आईपीएल तो है नहीं खरीद के लाओगे खिलाड़ी, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज ये कि दुनिया
पूरी टीम आ रही है, लेग स्पिनर उतार रही है, लेग स्पिनर उतार रही है, लेग स्पिनर हाँ। आपको विकेट निकाल के देता है, आपको मिस्ट्री स्पिनर है, मैंने उनको केकेआर के लिए दिया है। वो उनके साथ दूसरे छोर पर सुनील नारायण रहते थे जो कि खुद एक मिस्ट्री स्पिनर है, उनको एक साथ मिलता था। आप हम कहते थे कि कुलचा की जोड़ी, कुलचा की जोड़ी, कुलचा की जोड़ी साथ में ही तो शिकार करती थी। अकेला स्पिनर कभी भी हावी नहीं होता, आप ये बात याद रखना, चाहे आप हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे वो अब पुराने दौर में चले जाओ, चाहे तीसरी चीज बैटिंग पे आते हैं, दोनों इनसे प्रेशर होना चाहिए, है ना। एक एक साइड से आपके 15 रन लीक हो गए, अब मिस्ट्री स्पिनर ले आओ, चाहे जादूगर आ जाए यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज जो आप बैटिंग की बात कर रहे हो ना, यही रोहित हैं, यही राहुल हैं, यही विराट हैं, यही बहुत रन बनाते हैं और इतने रन बनाते हैं। आईपीएल में देख लीजिए आप, आईपीएल की बात नहीं कर रहा मैं, तो अभी के रीसेंट इंटरनेशनल क्रिकेट की एग्जांपल की बात कर रहा हूं। हम तो अभी रीसेंट आई उठा के देख लीजिए, इंटरनेशनल मैच में राहुल के 100 थे हैं, रोहित की 50 थी, ईशान किशन की सबके बिल्कुल थी, लेकिन आखिर इस मैच में आके क्या हो गया? जगह भी वही है जहां पे खेले हो आप, ये बात मैं इसी पे आ रहा हूँ। आप खेलते आए हो महीने भर पहले से, मैच प्रैक्टिस होती है, वो मैच प्रैक्टिस ही होती है, एक हफ्ते बाद आप खेलने आए हो। गेम हुआ था उसमें ओपन किसने किया था, किसमें प्रैक्टिस मैच में? केएल राहुल ने दूसरे वाले मैच, दूसरे में रोहित और राहुल ने। पर टीम की बात वो होती है, ठीक है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कल परसों शायद विक्रांत सर ने भी वो चीज कही थी, सब लोगों ने वो बोला था, टीम लगभग वही सब जगह चुनी जा रही थी कि भाई इंडिया के अभी जो बेस्ट है वो ये है, वही वो ये है, डिफेंसिव माइंडसेट रहता है। न्यूजीलैंड के साथ हमेशा चोक करते हो, सच बात है, ये आज भी सामने आई है। माइकल वॉन ने जो ट्वीट किया है कि इंडिया 2010 वाला गेम खेल रहा है और टी20 क्रिकेट बहुत आगे चला जा